थे, हमने तो कांग्रेस पार्टी का जो है काम करना था, लेकिन अगर कहते हमारे को युंगल मार मार के हमारे को खराब करने की कोशिश करी जाएगी तो भैया फिर क्या करें, फिर तो मजबूरन जो है उठना पड़ेगा ना। अगर पार्टी हुड्डा साहब को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दे तो क्या रहेगा, आप पार्टी के साथ रहेंगे? मैंने आपको ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व जो भी चाहेगा हम उसके साथ। देखिए आपको मैं बताना चाहती हूँ, 5 साल विधायक दल की नेता मैं थी और बड़े मुखर होके मैंने आवाज़ उठाई, किसी भी टॉपिक के ऊपर कभी भी मैंने कोई कमी छोड़ी नहीं है। एक विपक्षी नेता होने के नाते सरकार के जो जनहित की जो नीतियाँ थी उनके प्रति जो है जो जो संवेदनताशील के साथ जो बात मैंने उठाई है वो सारा हरियाणा जानता है। आज भी मैं बेशक आज कुछ भी ना हो एक MLA हूँ, लेकिन जो जो धरातल के ऊपर जो असलियत बीत रही है और जो विपक्ष का काम होता है उसको पूरी तरह से मुखर होकर उठाने में मैंने तो कभी कसर छोड़ी नहीं है। तो आप ये बात मेरे को तो कम से कम आप ये बात नहीं कह सकते, ये सारा मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरा मेरे विधानसभा की कार्रवाई जो है वो गवाह है। हम पर्टिकुलर आपको कोशिश नहीं कर रहे कि आप नहीं बोलते हो, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं आज के टाइम में वो कभी भी कोई भी सवाल हो तो बोलते हैं कि हाइपोथेटिकल है ये क्वेश्चन, ये भी हाइपोथेटिकल होना चाहिए कि कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी। अब जो कोई और क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता उसके ऊपर तो मैं कैसे क्या कह सकती हूँ, मैं तो केवल अपनी बारी बात कर सकती हूँ और जहाँ तक मेरे पास जो भी जिम्मेदारी रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से और ईमानदारी के साथ वो जिम्मेदारी मैंने निभाई है। आज जो कमियाँ हैं पूरे की पूरी सरकार की उनको उठाने के अंदर कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे हमारा महंगाई का मुद्दा हो, किसान भाइयों का मुद्दा हो, चाहे ये स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको जो है उजागर करने में विधानसभा के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे हरियाणा से लोग मेरे पास लेकर आते हैं, उनको उठाती हैं और उनको जो है बड़े सटीक तरीके से जो है विधानसभा के अंदर मैं बोलती हूँ और वही एक काम जो है विपक्ष के नेता का होने का होता है वो मैं करती हूँ। आयोजन किया पूरा सिस्टम का, लेकिन आप उसके मंच पर नहीं थी, फिर कांग्रेस एक कैसे होगी? नहीं, मैं अब कोई मेरे इलाके के अंदर आए और मुझे ना बुलाए तो मैं उस मंच पर कैसे जा सकती हूँ, आप मुझे बताइए। हम मान सम्मान की राजनीति करते हैं, हमने किसी के वो जो है ना पिछलग्गू तो हम हैं नहीं, हमने अपना काम करना है और जो काम हमने करा है ईमानदारी के साथ लगन के साथ वो पूरा हरियाणा जानता है और मेरा इलाका तो खास तौर से जानता है कि हम कितने नियत ईमानदारी के साथ अपने जनहित की बात लोगों की करते हैं बाजी जो है। और कोई आए कोई जाए उसका हमें फर्क नहीं पड़ता। संगठन ना होने का कारण बाजी है? अब संगठन नहीं हो रहा है, वो जो संगठन बनाने वाले हैं उनसे पूछिए जो अभी तक ये बात कहा करते थे पहले, अब सामने उनके भी आ ही गई है बात, तो ये हमारे से क्या पूछ रहे हो आप? तो संगठन एक हार का काम रहा है या भी हो सकता है? अब संगठन की बात मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मैं तो संगठन बनाने वालों में नहीं हूँ। संगठन जो है संगठन क्यों नहीं बन रहा, क्या बात हो गई है वो पूछिए जो आज सत्ता जो सत्ता से जो मतलब जो पद लेकर बैठे हैं ये उनसे पूछिए, PCC प्रेसिडेंट से पूछो, वो ज़्यादा बता पाएंगे, हमारे से तो कोई सलाह मशवरा करते नहीं। लेकिन एक मंच पर जो सीनियर लीडर दिखाई क्यों नहीं देते? एक मंच के ऊपर जब बुलाया जाएगा, सबको मान सम्मान दिया जाएगा, सबके साथ बैठ के बातचीत करी जाएगी, कोई आगे की योजना बनाई जाएगी, तभी तो एक साथ बैठेंगे। कोई अपने आप को ये भेड़ बकरी तो है नहीं कि जो है भेड़ चाल करके पहुंच जाओ कहीं भी, लेकिन वो काम तो नहीं करते हम। हम अपने अपना वजूद रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के तगड़े सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी की जो है पिछले 20 साल से तो मैं ही हरियाणा के अंदर हूँ, आज 35 साल हो गए, दिल्ली के अंदर भी मैंने जो है राजनीति कांग्रेस पार्टी की करी है। तो ये जो है ये तो जो जिसके पास पद होता है ये उसका काम होता है जोड़ के चलने का, जोड़ के अगर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जोड़ के नहीं चलेंगे तो वो खामियाजा सामने नजर आएगा, मैं तो बड़ी साफ तरीके से ये बात कहती हूँ। और अगर ये सोचें कि जो है मैं और मैं और मैं उससे काम चल जाएगा, वो काम चलने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है वो कह रहे हैं कि सबको निमंत्रण दिया जाता है लेकिन कोई आए ना, मर्जी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, हमारे को कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता, तो निमंत्रण नहीं दिया जाएगा और मान सम्मान के साथ नहीं दिया जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो आप अलग से पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करते हैं? मुखर है या नहीं है बोलो। हाँ जी बताओ। जी जी, ये बातें भी जो हैं कई बहुत शुभ चिंतक हैं, मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है,
उनकी कोशिश थी कि किरण चौधरी को किसी तरह से बाहर निकाला जाए, और उन्हें समझ आनी चाहिए। आज आपके ज़रिए, आपके माध्यम से मैं बोलना बताना चाहती हूँ कि मेरी जड़ें जो हैं कांग्रेस के अंदर बहुत मजबूत हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, नेतृत्व जो है उनका विश्वास मेरे ऊपर पूरा है। तो ये चाहे कोई भी कितनी कोशिश कर ले, वो जो है उसमें विफल होगा, और अच्छा होगा वो इस बात को छोड़ दें। और अगर जो है वो कहते हैं ना, सही टाइम पे अगर अकल आ जाए तो सबको फायदा होगा। जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे थे और कांग्रेस के लोग सिंगलेट कहते हैं कि बाप बेटे की कांग्रेस होगी, क्या इससे कामयाब उपचुनाव होगा 2024 का? अब ये जो आपने बात कही है, अब मेरे मुंह से क्यों खिलवाना चाहते हो? सामने है जो बात है, कहो ना, कह रहे हो मुखर होके, तो मैंने तो बात कही है। गुलाम नबी आजाद है काफी पुराने सीनियर लीडर, जिस तरह से कांग्रेस की उसको किस तरह देखा? बहुत गलत है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर उनको क्या नहीं मिला? सब कुछ, मान सम्मान पूरी तरह से उनको मिला। कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया? कौन से पदों तक नहीं पहुंचाया? जो भी आज वो हैं वो कांग्रेस पार्टी के कारण है। अब जो है वो कहीं और चले गए हैं, तो वो जाने, उनका काम जाने। इस तरह के लोग तो बहुत हैं हमारी पार्टी के अंदर। एक जिस तरह से जो अडानी के मामले में जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइंट करने की उसकी कमेटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एनसीपी के नेता हैं शरद पवार कह रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, इसका तो काम कहते हैं। देखिए, ये सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स है, वो शरद पवार जी क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है। कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, कांग्रेस पार्टी ने जो अपना, जो राहुल जी ने आदेश दिया है, वो कांग्रेस पार्टी वो काम आगे कर रही है। अब शरद पवार जी की पार्टी तो अलग है, तो वो उनका मत, वो अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। वही बीजेपी जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बयान लेते हैं, और इस तरह के बयान प्रधानमंत्री ने संसद में भी दिया था रेणुका चौधरी के बारे में। एक बीजेपी के महासचिव रहे हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि जो लड़कियां सलवार या इस तरह की नहीं, सूट साड़ी नहीं पहनती है, वो दूसरी जगह से जींस पहनती है, तो सूट पर का जस्ते लगती है। मैं तो एक बात जानती हूँ, जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, वो हिंदू संस्कृति को अच्छी तरह से नहीं जानते। हिंदू संस्कृति के अंदर महिलाओं का सम्मान सबसे ऊँचा होता है, माँ बेटियों का घर में सबसे ज़्यादा सम्मान होता है ये। और इस तरह से अगर महिलाओं के बारे में कोई भी इस तरह की टिप्पणी करी जाए, तो वो दर्शाता है कि कितनी उनकी संस्कृति है, किस तरह सा जो है वो अपने धर्म के अंदर विश्वास रखते हैं। वही जिस तरह से अब बेमौसमी बारिश हुई है और ओलावृष्टि, प्रदेश में बिल्कुल जो किसान हरकत बर्बाद हो गई है। अभी एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय हो गया मंडियों में किसान का जो गेहूँ वो भी नहीं खरीदा जा रहा, सरसों भी नहीं, किसान को दोहरी मार पड़ी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। विधानसभा में इस बात को मैंने एक बार ही नहीं, बार बार उठाया, और हर सीज़न के अंदर मैंने उठाया है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसानों का जो है आंदोलन, इतना ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, एक साल से ऊपर जो है वो आंदोलन चला, उनको वो विश्वास दिलाया गया कि जो है MSP जो है वैधिक रूप से उनको दी जाएगी, लेकिन वो MSP अभी तक जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई है, जो C2 फार्मूला और स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात। अब जो है जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, पाला पड़ा है, पाले का आपको मैं बता देती हूँ कि आपदा के अंदर पहले पाला शब्द इंक्लूडेड नहीं था, उसको वो शामिल नहीं था कि पाले से जो फसल बर्बाद होती थी उसको पैसा नहीं मिला करता था। श्रुति चौधरी जो तत्कालीन जो MP हैं थी भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र से, उनके उस समय पर पाला बहुत ज़बरदस्त पड़ा उस तरफ अहिरवाल में, नारनौर, महेंद्रगढ़ में। तो जब उनको पता चला कि ये पाले का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, तब उन्होंने ये केंद्र के अंदर कानून बनवाया, और ये कानून खाली भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का कानून बनाया गया, पाला शब्द को आपदा के अंदर डाला गया। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ अपने आप में थी, किसान भाइयों के लिए थी, जो किसान के हित की थी। और आज जो है वो पाला को, क्योंकि वो आपदा शब्द के अंदर डाला गया है, वो पाला शब्द जो है आपदा में डाला गया है, पाले का भी मुआवजा जो है सरकार को देना अनिवार्य है। अब दूसरी बात यहाँ आती है कि आज के दिन ये जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने ये बात कही थी कि 2022 तक किसान की आमदनी जो है वो दुगनी कर देंगे, लेकिन दुगनी करने की तो बात छोड़िए, आज किसान जो है, जो धरती पुत्र है, वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर, तली के ऊपर उसको लगा दिया है। उसकी 3-4 फसलें जो हैं अभी आपने देखा है लगातार ख़राब हुई हैं। पहले कपास की फसल ख़राब हुई, उसका मुआवजा जो है ये इक्का तुक्का थोड़ा बहुत दिया होगा, अब वो भी इतना शोर मचाने के बाद विधानसभा में वो भी पूरा नहीं आया। उसके बाद बाजरे का जो हाल हुआ, बाजरा पूरी तरह से पिटा, उसका जो है 2350 जो है उसका MSP था,
वो एमएसपी के ऊपर, एमएसपी पे नहीं बिका, कहते हैं कि हम एमएसपी के ऊपर सारी ये लेते हैं, खरीद कर रहे हैं, वो बिका 1600-1700 रुपए जो है प्रति क्विंटल बिका। फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं भवंतर योजना पे, भवंतर योजना से भी उसकी भरपाई नहीं करी गई, तो किसान तो वहाँ भी पिटा। अब जो है सारा का सारा टमाटर ख़त्म हो गया, सारी मूंग ख़त्म हो गई, सारी सरसों ख़त्म हो गई, सारा जो है गेहूँ जो है अभी ओलावृष्टि से और बारिश से ये सारा ख़त्म हो गया। और अभी कहा कि 15,000 रुपये प्रति एकड़ जो है ये मुआवजा देंगे। अब 15,000 प्रति एकड़ उसको मिलेगा जिसके 100% इन्होंने जो है खराबा दिखाया है। 75 भी की बात की जाए, हाँ, तो ये तो ज़्यादातर जो है हम, मैंने तो जो देखा है, ये कहा जाता है, सबको कह दिया जाता है गिरदावरी के टाइम 50% से नीचे दिखाओ, तो 50% से जब आप नीचे दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली जो है कितना मुआवजा किसान को मिलेगा। आज उसकी लागत इतनी हो गई है, बड़ा अपना पीठ थपथपा के जो हैं ये इनके जो मंत्री हैं, ये कृषि मंत्री, वो ये कहते हैं कि हम जो है यूरिया खाद उपलब्ध करवाते हैं पूरा समय पर। सच्चाई ये है कि जब बिजाई का सीज़न आता है तो उस समय जो है यूरिया जो है मिलती नहीं है, लानों कतारों के अंदर लाइन लगती है, ये जो है डंडे बरसाने पड़ते हैं, थानों के अंदर से जो है यूरिया खाद और ये DAP की खाद जो है वो दे दी जाती है। किसान को जब यूरिया का एक कट्टा देते हैं तो कट्टे के साथ साथ जो है कीटनाशक दवाई या कुछ और जिंक वंक किए वो ऐसा कुछ ज़बरदस्ती जबरन पकड़ाया जाता है। KCC कार्ड कहते हैं कि KCC कार्ड जो है वो आपका अनिवार्य नहीं है, ये आपकी स्वेच्छा से आप कर सकते हो, लेकिन KCC कार्ड जिसका नहीं है उसके साथ जो है जो होता है वो आपको वो आदमी बता देगा धरातल के ऊपर क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लागत इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी हो गई है, डीजल पेट्रोल इतना हो गया है कि किसान अब जाए कहाँ, उसकी जो है बीज इतना महंगा है, सारा कुछ इतना महंगा हो गया है और उसकी लागत जैसे मैंने कहा डबल से भी ट्रिपल हो गई है और उसको मिल कुछ नहीं रहा है। तो ये तो कृषि जो आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और ये कृषि प्रधान प्रदेश जिसको हम अपने आप को कहते हैं ठोक बजा के, वहीं पे कृषि को ही पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दिया गया। और इसके साथ साथ एक बात और कहूँगी, अभी मेरे भाई यहाँ पे जो बैठे हुए थे बता रहे थे कि पानी इतना ज़्यादा बरसा है कि फसलें जो है वो पूरी तरह से बिछ गई हैं। अब वो जो है फसलें बिछने के बाद वो उससे जो वो मैनुअल से उसको निकालना पड़ेगा, मैनुअल का मतलब जो है आपको वो देनी पड़ेगी, ये जो है मजदूरी देनी पड़ेगी, मजदूरी इतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी किसान के पास कुछ रहा नहीं है। आड़ती जो हैं उनको लुटेरा कहा जाता है, जो चोली दामन का साथ होता है किसान के साथ आड़तियों का, उनको लुटेरा बोल दिया जाता है, किसानों को आतंकी कहा जाता है। तो जब इस तरह की बातें जब सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्री इस तरह की जो है गैर जिम्मेवारी वाली बात करेंगे और वो भी कृषि मंत्री करेंगे तो फिर रह क्या गया। और सारा सामने सारी बात है, आज आप देखिए बेरोजगारी का आलम है। जब हम विधानसभा में ये बात उठाते हैं तो कहते हैं ये सारे जो आप आंकड़े पेश कर रहे हो सब गलत हैं, इतना सारा ये प्रॉपर्टी ID और पता नहीं कितनी सारे पोर्टल खोल दिए हैं। आप मुझे खुद अपने दिल पे हाथ लगा के बैठाओ, बताओ ये पोर्टल जितने खोले हैं ये गले का फांस बन गया नहीं बन गया। टेक्नोलॉजी अच्छा होता है, टेक्नोलॉजी बना करो, टेक्नोलॉजी से आगे आदमी बढ़े, लेकिन टेक्नोलॉजी जब तक धरातल पे काम नहीं करेगी वो टेक्नोलॉजी जो है गले का फांस बन जाएगी। आज जो है आधार कार्ड को आप पैन कार्ड के साथ जोड़ रहे हो, पोर्टल आपके बंद पड़े रहते हैं, इतने सारे पोर्टल आपने खोल दिए हैं, ये डाटा कलेक्शन किस लिए करा जा रहा है? काम तो पहले भी हुआ करते थे, पहले कहा जाता था 410 रुपए का जब सिलेंडर था उस समय ये कहा हाय तौबा मचा दी थी, इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया। आज जो है वही सिलेंडर, गैस का सिलेंडर, वो 1100 से ऊपर हो रहा है, 1150। अब आप मुझे ये बताइए ना, ये सारी चीजें 10 साल के अंदर आप देखते आ रहे हो, हुआ क्या है? तो जनता जो है त्रस्त है या नहीं है ये तो खुद ही आप खुद भी जानते हैं, आपके हर एक की जेब के ऊपर कटुरघात हुआ हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रवास किया जो कि अगर मैं दो साल का दौरा करूंगा तो किरण चौधरी तो शाम छोड़कर भाग जाएंगे। हाँ कहा है उन्होंने, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो पहले ही बात कह दी है, देखो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं इसलिए मैं उनकी इज्जत करती हूँ क्योंकि उस पद पे आसीन है और मेरे को भगाने वाला मेरी जनता है। जनता ने अगर ये सोचा
कि मैं इस लायक नहीं हूँ तो मेरे को वोट नहीं देंगे, अपने आराम से घर बैठूंगी। वोट देंगे, मान सम्मान आज तक इतना दिया है, तो मैंने हमेशा ईमानदारी और क्या कहते हैं नीयत से जो है अपने लोगों का काम करा है और पूरे हरियाणा की लोगों की आवाज़ में उठाती हूँ। तो ये जनता पे निर्भर है, जनता अगर सोचेगी कि ये किसी लायक नहीं है तो घर बिठा देगी, अपने आराम से बैठेंगे भैया, कोई चिंता की बात थोड़ना है। कोई लोभ लालच नहीं है मुझे राजनीति में, मैं यहाँ पर राजनीति के अंदर चौधरी बंसीलाल जी का नाम, सुरेंद्र सिंह जी का नाम उसी तरह से उनका कायम रहे, उनका ना जो है मेरे कार्यकर्ताओं का ना कभी नीचा ना हो, ईमानदारी के साथ वो अपना सिर उठाकर काम कर सकें, इस नियत से काम करते हैं। और इसलिए मुझे किसी का भय नहीं है। को बहुत लोग कोशिश करते हैं मुझे घेरने घारने की, पर जो है जब ऊपर वाला साथ हो तो फिर किस किस बात की परवाह। वैसे भी दर्द आप प्रदेश कांग्रेस में दो तरह की आवाज उठने लगी है। हाँ, प्रदेश कांग्रेस में जब भी कार्यक्रम होते हैं दो तरह की आवाज उठने लगी है। कभी तो कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी कहते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हो गया। देखो आज एक बात मैं आपको स्पष्ट बता के जा रही हूँ, ये कांग्रेस पार्टी है, किसी की बपोती नहीं है, समझ रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, जो मुख्यमंत्री बनता है वो हाई कमांड तय करता है, तो हाई कमांड तो हम है नहीं, तो हम तो बोल नहीं सकते ये बात। हम तो हाई कमांड जो निर्देश देगा उसके हिसाब से काम करने वाले सिपाही हैं। अगर कोई अपने आप को हाई कमांड से ऊंचा मानता हो तो वो बात अलग है। ठीक है, मैं एक लास्ट सवाल हो रहा मैडम जी, ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा है कि वो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी किसी के साथ जा सकते हैं, किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, चाहे वो जेजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, आपको क्या लगता है? सबका स्वागत है, कोई आना चाहता है हमारे साथ, हमारे को क्या परेशानी है? कोई भी कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहता है तो हमें कोई परेशानी नहीं। कांग्रेस में जाना चाहता है जो सीनियर मोस्ट लीडर है कृष्ण मूर्ति हुड्डा, हाँ, वो कांग्रेस के सिस्टम से इतना, इसका जवाब मैं दूंगा, ये नहीं वो जवाब हुड्डा साहब खुद देंगे। मैं जी आप बताइए क्या, अगर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी कोटका चौटाला ये कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए मैं कांग्रेस या जेजेपी के साथ भी जा सकता हूँ, क्या लगता है कि आप लोगों का गठबंधन हो सकता है? राजनीति के अंदर हर एक तरह की संभावनाएं होती हैं, ये बात याद रखिएगा। ओम प्रकाश धनखड़ जी का बयान आया है कि हम 2024 की तैयारी को लेकर 85% तक अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं और कांग्रेस आपस में कुश्ती लड़ रही है, इसमें क्या अब वो नेता हैं अपने पार्टी के, तो वो तो नेचुरली अपनी बात कहेंगे भैया। अब हम कुश्ती लड़ते लड़ते पहुँच जाते हैं सहमुखर पे, उस पर फिक्र ना करो। दिग्विजय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपस में काफ़ी देर से गठबंधन को, 4 साल पुराने गठबंधन को लेकर ऊपर हो गए, उसकी चर्चा है, क्या है? हाँ, वो मैंने टेप पे मैं देख रही थी, जो सच्चाई है वो सामने आई जाती है भैया, सच्चाई नहीं कभी छुपती किसी से। क्या सच क्या है? अब मुझे तो मालूम नहीं है, वो जो सच्चा जो बोल रहे हैं वो आप भी जान सकते हो, मैं भी जान सकती हूँ क्या है और क्या नहीं। 4 साल बाद उसकी क्या जरूरत? नहीं, अब ये तो मुझे क्या मालूम है उसकी क्या जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, दैट इज़ नॉट द इशू। इशू इज दिस कि वो सारा कुछ सामने जो रखा गया है उससे पता चलता है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कांग्रेस चला रही है उसके बाद से और गुटा के लिए तो मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं यार, आपकी क्या उस पर नीति रहेगी? हमने अलग से चलाओगे उसके साथ ही? हमने आज से हाथ जोड़ो अभियान जो कांग्रेस चला रही है सारे जिलों के अंदर, उस अभियान को जो है गति दी है। राहुल जी ने इतनी ज़बरदस्त यात्रा जो निकाली उससे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा आई है कांग्रेस कार्यकर्ता और जनों में। और देखो, मैं तो बार बार ये बात कही है, कांग्रेस पार्टी मजबूत तब होती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत मजबूत नेता हैं, एक दो नेता नहीं है, उस बहुत सारे नेता हैं जो मजबूत लोग हैं, जिनके पीछे और जो नेता मजबूत होगा उसके पीछे और लोग होंगे। सब नेताओं को अगर मिलजुल कर चल कर आगे लेकर चला जाएगा तो उसका फ़ायदा सबको होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो मुख्यमंत्री की है ये लड़ाई तो हम बाद में लड़ लेंगे, पहले पार्टी तो पावर में आए, उसमें ही आप अगर पहले ही कहते हैं नूरा कुश्ती अगर करने शुरू कर दी तो उस जो सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को मुख्यमंत्री बनाकर सोते हैं उन्हीं को नुकसान होएगा। सबको आप लेकर चलोगे तो आगे बढ़ोगे,
इसमें निश्चित तौर पे अब 2004 के अंदर सारे लोगों ने सबने योगदान दिया था ना, 2005 के अंदर जो 4-5 में जब हुआ था सारा, उस समय हविपा का भी विलय हुआ था और कांग्रेस के कितनी सीटें आई थी, 60 सीटें आई थी, 67 सीट्स आई थी। उसके बाद जो है फिर 2000 उसके बाद फिर हम 40 पे आ गए और फिर 15 के ऊपर आ गए। तो ये तो जो है नतीजा सामने है, लड़ाई जब लड़नी हो, लड़ाई तब लड़ सकते हैं जब मुट्ठी बंद होती है। अगर मुट्ठी खोल कर और यूँ सोचो कि इसके उसको परे लगा दो, उसको परे लगा दो, इसके न्योता घाल के आओ, उसके न्योता घाल के आओ, तो भाई न्योता घालने वाले जो हैं वो उन्हें न्यू बता दूं कि न्योता हमने भी घालना आता है। नाम क्यों लेते हैं? नाम ले कौन, अब मेरे को क्या मालूम, जो जो से जो जो न्योता घालेंगे उनका भी हम भी घाल देंगे। सीधी सी बात है, अपने राजनीति में कोई भय और वो नहीं है, आपको समझ लेना चाहिए। सीधी तरह से बात करती हूँ, कोई अपना जो है मान सम्मान से प्यार से बैठ के बात करेगा, हम बैठ करके बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। लेकिन अगर यूँ सोचें कि इनको दरबदर यूँ ही उठा के इनको परे कर दो और सबको जाके थापी मारते रहो, तो भैया हम भी ये काम जो है किसी से सीखा ही है, तो हम भी उन्हीं के पर चिन्हों पर चल पड़ेंगे। ठीक है।